नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आपका स्वागत है और अब खबरों को देते हैं विस्तार। माननीय मंत्री जी ने ग्राम दबरा चक दिनार एवं ग्राम अलगी दोनों आदिवासीपुर में जांच की और लोगों ने बताया कि उन्हें करीब 3 वर्षों से खाद्यान्न नहीं मिलने की शिकायत, वे कार्ड जमा कर लिए और वापस नहीं किए। दुकान पर FIR व अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए व पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया। चित्रकूट के 2 मासूम प्रियांश और श्रेयांश की अपहरण कर हत्या के विरोध में भारतीय जनता पार्टी महानगर ग्वालियर के पदाधिकारियों ने बीती शाम फूलबाग स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा के सामने उन बच्चों को मौन रहकर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार तबादलों में लगी और अपराधी बेखौफ हो गए। पुलिस प्रशासन भी हाथ पर हाथ रखकर बैठा है। आज पूरे मध्य प्रदेश में 2 मासूम बच्चों की निर्मम हत्या का समाचार सुनने के बाद मैं समझता हूँ पूरे मध्य प्रदेश में एक तरह से शोक की लहर है। जिसने भी वो चित्रों को देखा होगा उनकी आंखें भीगने से बची नहीं होंगी। मैं सीधे सीधे ईश्वर से पहले प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को इतनी बड़ी दुखद घटना को झेलने की शक्ति प्रदान करे। भारतीय जनता पार्टी ने अभी 1 महीने पहले मुखर्जी भवन मुख्यालय पर धरना दिया था। वह धरना सिर्फ इस बात का था कि इंदौर में व्यापारी की हत्या, चित्रकूट में 2 व्यापारियों की हत्या, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या, लगातार ये हत्याओं का दौर कांग्रेस की सरकार में चल निकला। ग्वालियर पूर्व विधानसभा से कांग्रेस विधायक मुन्नालाल गोयल द्वारा सोमवार को एक बार फिर से GH पहुंचकर यहां ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने मरीजों को मिल रही दवाओं की जानकारी तो ली ही, साथ ही दवा स्टोर रूम का निरीक्षण किया। इसके साथ ही GH के मरीजों को समय पर एम्बुलेंस की सुविधा न मिलने पर नाराजगी भी जताई। जयरोग चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर में लगातार बढ़ती मरीजों की भीड़ से यहां व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है और इन बिगड़ी व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने के लिए कांग्रेस विधायकों द्वारा लगातार GH का निरीक्षण कर निगरानी की जा रही है। सोमवार को कांग्रेस विधायक मुन्नालाल गोयल यहां ट्रॉमा सेंटर में दवा वितरण केंद्र और स्टोर रूम का जायजा भी लिया। उन्होंने ट्रॉमा सेंटर में HNM सिस्टम लागू करने की भी बात कही और इस योजना के लिए भोपाल से फंड उपलब्ध करवाने की बात कही। एक्चुअली क्या है, उस लगातार मरीजों की शिकायत मिली है कि यहाँ OPD पर बहुत ज़्यादा क्राउड है और मरीजों को दिक्कत आ रही है, तो मैं आया था। एक्चुअली क्या, पिछली बार चर्चा हुई थी कि यहाँ HIMS सिस्टम को लागू किया जाए, उसके लिए 1.43 करोड़ का फंड भी यहाँ पे आ गया है। डीन साहब से मैंने चर्चा की है तो उनका कहना है कि भोपाल में थोड़ा सा कहीं दिक्कत आ रही है, तो मैंने कहा प्रस्ताव मेरे को दे दो, मैं भोपाल में चर्चा करूँगा, लेकिन HIMS सिस्टम लागू हो जाएगा तो इससे थोड़ा सा जो क्राउड हो रहा है OPD पे उससे मरीजों को राहत मिलेगी। विधायक मुन्नालाल गोयल ने यहाँ समय पर ड्यूटी न आने वाले और अनुपस्थित रहने वाले डॉक्टरों को लेकर भी रोष जताया और कहा कि एक बार उन्हें चेतावनी दी जाएगी, उसके बाद भी अगर वो नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। निश्चित तौर पर हमारे सुपर्णल साहब भी मौजूद हैं और इन व्यवस्थाओं में पूरा सहयोग उनका मिल रहा है और हम चाह रहे हैं कि जो डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं, निश्चित तौर पर ये गंभीर मामला है। कौन कौन डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं उनकी लिस्ट हमारे पास आ रही है, निश्चित तौर पर एक बार उनको निवेदन किया जाएगा, उसके बाद नहीं सुधरते हैं तो फिर निश्चित तौर पर हजीरा थाना पुलिस ने बीती रात मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को अवैध शराब बेचते हुए दबोचा है। पुलिस को सूचना मिली थी कि हजीरा PHE कॉलोनी पर अवैध शराब बेची जा रही है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यहां से बबलू
और सोनू को दबोचकर उनके कब्जे से 2-2 लीटर कच्ची शराब जब्त की है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया और विवेचना शुरू कर दी है। हाँ, पीएचई कॉलोनी के में 2 संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना मिली थी कि कोई अवैध मादक पदार्थ बेचने के उद्देश्य से खड़े हुए हैं, जिसकी सूचना की तस्दीक हेतु पुलिस पार्टी द्वारा उनको घेराबंदी करके पकड़ा गया। जो कि 2 व्यक्ति मिले जो बल्लू उर्फ महेश किरार हैं, सोनू उर्फ स्वर्गीय मेहरवान राजावत हैं। इनके कब्जे से अवैध देसी हाथ की शराब मिली हुई है, जिनको कि आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इनकी मिली 2-2 लीटर के करीब दारू मिली है। ये दोनों लोग एक 4 शहर के नाका का है, जो बहादुरपुर महाराजपुरा का रहने वाला है, अभी यहाँ किराए से रहता है 4 शहर के नाके पे, और दूसरा गणेश कॉलोनी का रहने वाला। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी द्वारा ग्वालियर व्यापार मेला का संस्कृति गार्डन में बूथ स्तरीय संसदीय सम्मेलन का आयोजन कर जिले में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन किया गया। सम्मेलन में ग्वालियर संसदीय सीट से जुड़े 8 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सम्मेलन में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के साथ ही भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत ने इन्हें लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जीत का मंत्र दिया। वहीं क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राज्यसभा सांसद प्रभात झा के साथ अन्य स्थानीय नेता भी सम्मेलन में मौजूद रहे। करीब करीब वैसा ही दृश्य आज भी दिखाई देता है। एक तरफ वो लोग हैं जो भारत माता की जय चाहते हैं, जो भारत को बहुत शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, भारत को दुनिया का सर्वोच्च राष्ट्र बनाना चाहते हैं, देश बनाना चाहते हैं, हर व्यक्ति से बनाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। उनके मंसूबे यही हैं। आज उनकी 44 सीटें और वो देश में धीरे धीरे कोने कोने में सिमट गए। समारोह में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम की नीतियों को निभाने में ग्वालियर सांसद नरेंद्र सिंह तोमर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और आगे भी वे ग्वालियर के लोगों की ऐसे ही सेवा करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों और कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कई महत्वपूर्ण मंत्रालय, कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के बावजूद अभी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने मुझसे कहा कि नरेंद्र सिंह तोमर जी के लिए कर्नाटक से पार्टी की इमाम थी कि वो करें वहां पर कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश या देश के अलग अलग हिस्सों से, लेकिन तोमर जी ने मुझसे कहा कि मैं ज्यादा से ज्यादा समय अपने क्षेत्र में देना पसंद करूंगा और अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रमों में हिस्सेदारी भागीदारी करना पसंद करूंगा, और इसीलिए जो 26 तारीख का कार्यक्रम कमल ज्योति मैं ग्वालियर के कार्यकर्ताओं को नतमस्तक होकर सलाम करता हूँ कि एक ऐसा हीरा आपने चुन करके दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के पास भेजा है। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा सम्मेलन के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि ग्वालियर जिले के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के लिए यह सम्मेलन आयोजित किया गया है और आगामी लोकसभा चुनाव में ग्वालियर में पुनः जीत हासिल करने के लिए कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया गया है। आज लोकसभा क्षेत्र का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का बूथ स्तरीय सम्मेलन था। इसमें कार्यकर्ताओं ने बहुत ही उत्साह के साथ और बहुत गाजे बाजे के साथ और पूरी ताकत के साथ इसमें भाग लिया और सभी कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। मुझे पूरा विश्वास है कि यही सब कार्यकर्ता अपने बूथ पर काम करेंगे और हम ग्वालियर लोकसभा भी जीतेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2/3 बहुमत से अधिक सीटें लेकर पुनः सरकार बनाने में सफल होंगे। ग्वालियर में एक बार फिर सिलेंडर फटने की घटना सामने आई है। इस हादसे में महिला रीना परिहार की मौत हो गई, जबकि उसे बचाने पहुंचा पति भी झुलस गया है। मामला पनिहार इलाके के नया गांव का है,
घटना की जानकारी पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक महिला को शव को पीएम हाउस पहुंचाकर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। दरअसल सिलेंडर पहले से ही लीक हो रहा था और अचानक उसमें धमाका हो गया। धमाके की वजह से न सिर्फ घर पूरा जलकर खाक हो गया बल्कि दीवार भी उड़ गई। ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि यह सिलेंडर प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत दंपत्ति को मिला था। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिलेंडर ब्लास्ट कितना भयानक था। घर में चारों तरफ सामान बिखरा हुआ है, दीवारों पर आग के निशान नजर आ रहे हैं, खिड़कियां दरवाजे सब टूटे हुए दिख रहे हैं, वहीं बर्तन के अलावा घर का सामान भी आग की भेंट चढ़ गया है। ये मेरी आंटी थी, ये सुबह 6:30 के आसपास जैसे ही चाय बनाने के लिए अंदर गई, जैसे उसमें लाइटर लगाया आग उस ब्लास्ट हो गया। क्या नाम है? रीना परियार। पति पंकज परियार ने है वो। इनकी 25-26 के आसपास है, उनकी भी ऐसे ही 27 के आसपास। नया गांव पनिहार। और नया गांव में घटना एक सिलेंडर फटने से महिला रीना परिहार पत्नी पंकज परिहार के सिलेंडर फटने आग लगने से मृत्यु हो गई। उम्र 28 साल है और ये काल आज 25 सुबह की है, आज सुबह की घटना बता रहे हैं। अब हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए इंडिया खबर लाइव के साथ।